अस्सलाम वालेकुम क्लास, टुडे आई विल टेल यू अबाउट द अनदर टॉपिक ऑफ बैक्टीरिया विच इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर मॉर्फोलॉजी। द जनरल अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल सेल एज सीन अंडर ब्राइट फील्ड ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नोन एज सेलुलर मॉर्फोलॉजी। अकॉर्डिंग टू सेलुलर मॉर्फोलॉजी हमारे पास बैक्टीरिया डिफरेंट शेप्स के होते हैं, लाइक कोकस जो होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है, बैसिलस जो होता है वो रॉड लाइक होता है, एंड स्पिरुलम जो होता है वो स्पिरल शेप्ड होता है। ठीक है, हम वन बाय वन सारे पढ़ेंगे। द बैसिलाय, एज सजेस्टेड बाय मूलर, द रॉड इज नोन एज बैसिलस। इन वेरियस स्पीशीज ऑफ रॉड शेप बैक्टीरिया द सिलेंड्रिकल मे बी एज लॉन्ग एज, अगर हमारे पास वन बैसिलस होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बैसिलस। अगर हमारे पास दो बैसिलाय ज्वाइन टुगेदर होंगे, दो बैसिलाय का पेयर बना होगा तो हम उसे डेप्लो बैसिलाय कहेंगे। अगर लॉन्ग चेन बनाता है बैसिलाय तो हम उसे स्ट्रेप्टो बैसिलस कहेंगे। ठीक है, कोकाय, अ स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया इज नोन एज कोकस, जो राउंड होगा उसे हम कोकस कहेंगे। अ टर्म डिराइव फ्रॉम ग्रीक कोकोस मीनिंग अ बेरी। कोकाय टेन टू क्वाइट स्मॉल, बींग 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है इन डायामीटर में। अगर वन कोकस होगा तो हम उसे कोकस कहेंगे, अगर दो होंगे तो डेप्लो कोकस, अगर ये चेन बनाता है तो स्ट्रेप्टो कोकाय, अगर ये चार बनाता है, ठीक है, फोर का पेयर बनाता है तो वो टेट्रेट होगा, अगर ये इरेगुलर शेप में 5 to 6 बनाता है तो वो सार्कीना होगा, और अगर वो क्लस्टर और ग्रेप्स की तरह ब्रांचेस बनाता है तो वो होगा स्ट्रेप्टोकोकाय। देन यू हैव द डेप्लोकोकाय, दोज कोकाय दैट रिमेन इन पेयर्स आफ्टर रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड डेप्लोकोकाय। डेप्लो का मतलब पहले भी बताया, जो कि दो पेयर में होंगे वो डेप्लोकोकाय होंगे। ठीक है, नंबर वन एग्जाम्पल है इसके निसेरिया गोनोरिया, जो कि गोनोरिया काज करता है, और एक है मेनेंजाइटिस, जो कि मेनेंजाइटिस कॉज करता है इन द ब्रेन मेनेंजीज में। ब्रेन में जो स्वेलिंग कॉज करेगा वो मेनेंजाइटिस में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है ब्रेन के मेनेंजीज में, और सेल डेथ हो जाती है। ठीक है, देन यू हैव अ स्ट्रेप्टोकोकाय, कोकाय दैट रिमेन्स इन चेन, जो चेन फॉर्म में होगा वो स्ट्रेप्टोकोकाय होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसकी एग्जांपल आ जाएगी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन की, इन्वॉल्व इन स्ट्रेप्थॉट, एस म्यूटेजेंस की, जो कि इन्वॉल्व होता है टूथ डिके में, एंड एस लैक्टिस की, जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक योगर्ट बनाने के काम आता है। ठीक है, देन यू हैव द स्पिरल्स, स्पिरल्स की शेप स्पिरल लाइक होगी, विब्रोस की शेप कर्व रॉड्स की तरह होगी। ठीक है, जो जैसे कि एग्जांपल है इसकी विब्रियो कॉलरिया, जो कि कॉलरा कॉज करता है। देन स्पिरिला जो होगा वो स्पिरुलम शेप होगा, हेलिकल शेप। ठीक है, ये डिफरेंट शेप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी हमने क्लासीफाई किया बैक्टीरिया को। देन यू हैव द जनरल मॉर्फोलॉजी, सेल वॉल, हम सेल वॉल की बेस पे भी जो है क्लासीफाई करते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगी।